तो प्यारे बच्चों, इनकम स्टेटमेंट बनाने को कहा मैंने आपसे, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने को कहा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अमाउंट लिख के भेज दें अगर आप मालूम कर चुके हैं। और अगर किसी बच्चे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी नहीं आ रही तो बड़े प्यार मोहब्बत से कह रहा हूँ, मुझे बता दे, मैसेज कर दे इंडिविजुअली, मुझे लिख के आपका मैसेज से मुझ तक ही आ रहा है। आप एक दूसरे को मैसेज करते हैं आमतौर पर, आप सिर्फ मुझे ही मैसेज भेज सकते हैं। तो आप मुझे मैसेज भेज दें, सर मेरे पास अमाउंट नहीं आ रही, मैं आपको बता दूंगा। तीन जवाब आए, तीन बिल्कुल डिफरेंट आए, नहीं बेटा कोई काम, तीन जवाब आए तो तीनों डिफरेंट आए CGS के। मेरा ख्याल मुनासिब यही कि मैं यहाँ निकाल लू। काशान बताना हम, काशान म्यूट अनम्यूट करो। सर 503000। मैं सवाल क्या पूछा, जवाब क्या दे रहा है खूबसूरत आदमी, सुनते नहीं हो तुम लोग। क्या पूछा मैं? अच्छा बताएं, तुम बताओ क्या पूछा है। ले दोस्त, मैंने पूछा है, आपने पूछा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नहीं भाई, मैंने बोला मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग वाली, बता मेरे दोस्त। CGS निकालूंगा तुम्हारे साथ मिल के। आप अच्छा 8,80,000। हाँ अब इसमें ऐड करेंगे परचेजेस, परचेजेस नेट है या निकालनी पड़ेगी? आसान जल्दी बता। सर निकालनी पड़ेगी। अच्छा क्या करना पड़ेगा? निकालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? चांद पे चले दूसरे सयारे, कैरिज आउट को लेस करना पड़ेगा। अच्छा ओके, जो भी ना बात, कैरिज आउटपुट एक्सपेंस नहीं होता, वो बस लेस करवा रहा है काशान। अब उसकी मर्जी, वो लेस करवा चाह रहा है ऐड करा, अभी वो तो मैं उसको बख्शूंगा ना इंशाल्लाह। परचेजेस के अमाउंट मैंने एक कॉलम पीछे लिख दी फिलहाल, 3650123। कैरिज आउटवर्ड कर रहा है तो परचेजेस में, कैरिज आउटवर्ड है काशान कर रहा है, मैं इसी क्लास लेता हूं। सॉरी अक्षा कुछ पूछ रही है बेटा, अक्षा सहित कुछ पूछ रही है आप? नो सर। अच्छा काशान वापिस आ जा बेटे, क्या बोल रहा है कैरिज आउटपुट के बारे में बता। शाबाश, मुझे पीछे लिखवा दिया सर, लाइन पे यूं आवाज कट रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये क्या परचेजेस में क्या करवाना चाह रहे हो मेरे दोस्त? सर मुझे लगा था ये कैरिज इन है। हाँ ये कैरिज आउट है ना, पर ये तो कैरिज आउटवर्ड है, ये परचेज नेट है इसका मतलब है। सही है? यस सर। लेस मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग, चलो अमाउंट बता दे सर। ये जो हाँ बोलो बोलो सर, मेरा फिर गलत हो गया ना, मैंने इसको इन कर दिया ना। कोई बात नहीं, तुम सही कर लो अपने पास, मैं काम कर रहा हूँ, जल्दी करो सही। शाबाश, एंडिंग इन्वेंटरी अमाउंट है 5,00,000। अच्छा म्यूट कर देता हूँ मैं। ओके थैंक यू। -5,00,000 यागे CGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 40,30,000। बेटा अनिला राव, ये मैं पूरा क्वेश्चन जीरो से कर रहा हूँ, आप पूरी कोशिश करें इसे समझ लें, ये आखिरी मौका है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं और कोई सवाल कंप्लीट करूंगा, इसके बाद तो हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चले जाएंगे। तो आप कोशिश करें, थोड़ा सा दिमाग चलाइए हमारे साथ मिलके, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस हद तक बता सकते हैं बताएं। ओके नेट सेल में से अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की पूरी कंपटीशन इसके नीचे आती है, मैं फिलहाल अलग से करके दिखा दिए सब लोगों को, पता है इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे है। फॉर्मेट मैंने आपको कल शो भी किया था, वो वर्ड की फाइल भी मैंने जो है आपको बताई थी, अगर आपको किसी ने नहीं भेजी तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको वर्ड की फाइल भी भेज दूंगा, ये वाली देखें स्क्रीन पर जा लीजिए, इसमें पूरा फॉर्मेट बना है, मैं आपको फाइल भेज दूंगा अगर आपके पास नहीं है तो। अच्छा तो CGS के अमाउंट लेस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है हमारे पास प्यारे बच्चों 25,10,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसी ने लिख लिए तो यार अमाउंट बता दो टोटल, या मैं बोलूं। चलो मैं बोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं बहुत देर लगा देता हूं यार बोलने में। अच्छा आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा आपको लाइव फॉर्मेट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अमाउंट अगर आप लोगों ने निकाल लिए लिख लिए, अजहर शरियार तैमूर कहाँ है आज? तैमूर, तैमूर है आज जानी मीटिंग में हमारे साथ? नहीं है मुझे लग रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दो लोगों ने अभी तक निकाले, बाकी सब लोग जो है वो मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं, बहुत फर्माबरदार बच्चे हैं भाई हमारे, कदम से कदम मिला के चलते हैं, एक कदम आगे नहीं जाते।
मासूमा तुम ऑनलाइन में भी छुट्टियां मार रही हो, कल गायब थी तुम, मुझे लगता है फिजिकली छुट्टियां करते थे तो वो तो समझ में आता है, तुमने ऑनलाइन छुट्टी भी शुरू कर दी है, ये सही है भाई। सर कदम के साथ कदम मिला के चलना पड़ता है, अगर गिर गए तो फिर मिट्टी डाल के आगे ना निकल जाए ना। नहीं नहीं भाई मैं नहीं डाल रहा ना, मैं तो ऑनलाइन में मिट्टी का चक्कर ही नहीं है, ऑनलाइन में आपको साथ लेके चल रहे हैं, आप फिक्र ही ना करें, आप गिरेंगे हम आपको उठा लेंगे फौरन। चल भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरा खाली, मैं यहाँ लिख लूँ सारे जितनी देर मैं आपको बताएंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी तला नाम मेरे मुताबिक अगर मैं गलत ना हूँ तो है एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज का अमाउंट है जनाबे अली 5 लाख रुपए, सेल सैलरीज, सेल सैलरीज सेल सैलरीज के अमाउंट है 70,000 रुपए, डायरेक्टर रिम्यूनरेशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमारा 1,60,000 रुपए, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की अमाउंट है क्वेश्चन में गिवन 2,80,000 रुपए। एडवर्टाइजिंग के बाद कैरिज आउटवर्ड सेलिंग एक्सपेंस होता है, कैरिज आउटवर्ड सेलिंग एक्सपेंस है हमारा, कस्टमर को बोला सामान खरीद, कस्टमर ने आके सामान खरीदा, उसे बोला आप बस तशरीफ ले हम सामान खुद आपके घर पहुंचाएंगे, कैरिज आउटवर्ड। यूटिलिटी एक्सपेंस 3 लाख रुपए, यूटिलिटी एक्सपेंस 3 लाख रुपए, और इसके बाद एडजस्टमेंट से जाके खर्चे ढूंढ के आता हूँ, टैक्स एक्सपेंस बाद में आएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 390, बैड डेट एक्सपेंस 21,000, और ये था ऑडिट फी एक्सपेंस, 3 खर्चे हो गए, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स और ऑडिट फी, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स और ऑडिट फी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस और ऑडिट फी एक्सपेंस, ये तीनों अमाउंट ले आया, इसके अमाउंट है 3,90,000, इसके अमाउंट है 21,000 और इसके अमाउंट है 3,90,000। भाई कोई अमाउंट गलत लिख दे तो बता देना, ऑर्डर टी एक्सपेंस के अमाउंट है 50,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम बन रहा है जनाबे अली टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1871,000। शुक्र अलहमदुल्ला और भी लोगों ने लिख के भेज दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करूँ, लेस कर दूँ ऊपर वाली अमाउंट में से मेरा बच्चा, तो ये अमाउंट और ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट था बिजनेस, क्या ये नेट प्रॉफिट है, इसे नेट प्रॉफिट कह दूं, नहीं, सवाल में इसका नाम रखूंगा क्या कोई अदर इनकम है, अदर इनकम तो सवाल में मुझे नजर नहीं आई, आपको नजर आ रही है तो बता दीजिए प्लीज, किसी को अदर इनकम नजर आ रही है क्वेश्चन में बिला झिझक बताए, मुझे क्वेश्चन में अदर इनकम नजर नहीं आ रही, ठीक है? यस सर। ओके अच्छा, आप अदर इनकम नहीं है अगर तो इसका मतलब मैं इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट नाम नहीं दूं बल्कि इसका नाम रख देता हूं इनकम बिफोर इनकम टैक्स, इनकम बिफोर इनकम टैक्स, इनकम बिफोर इनकम टैक्स की अमाउंट आ गई है, इसमें से लेस करेंगे हम लोग लेस टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस पहले एडजस्टमेंट में, दूसरी एडजस्टमेंट में था 1,50,000, हमारे पास फाइनली 489 ये आ गया इनकम आफ्टर टैक्स, इसका दूसरा नाम है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इनकम आफ्टर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,89,000। जिन लोगों ने वैल्यूज कंप्यूट कर ली है जरा वो लिख के भेज दें मुझे जल्दी से शाबाश, यस जो लोग ये वैल्यूज कैलकुलेट कर चुके भाई लिख के भेज दें शुक्रिया के साथ। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग की तरफ बढ़ रहा हूं, थैंक यू सो मच।
बाकी क्लास भी भाई, यानी आपने कंप्लीट नहीं किया तो छपाई का एहतमाम ही कर ले मेरे साथ साथ, मतलब आप अगर काम नहीं कर रहे तो क्या वीडियो देख के घर पे बाद में काम करेंगे। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस नाम से दिया हुआ है, नेट इनकम जनवरी फर्स्ट 2006 7 लाख रुपए। किसी को समझ नहीं आया तो पूछे जल्दी से। अब मैं क्या बना रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। इस वक्त मैं बनाने लगा हूँ स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। बिजनेस का नाम, सेकंड लाइन में स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, और थर्ड लाइन में हमने लिख दिया फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर, फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31st 2006। रिटेन अर्निंग ओपनिंग 7 लाख रुपए लिखा। इस साल का नेट प्रॉफिट कितना है जनाब, ऊपर से आगे ले लिया 4,89,000। ये आ गया टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन। अब इस साल क्या कोई कैश डिविडेंड दिया है? जी हाँ डिविडेंड है, सवाल में देख लीजिए कितना है, ऊपर जाके एंट्रीज में भी दिखा देता हूँ। जरा अगर आप देखें फटी आंखों से, कैश डिविडेंड अमाउंट 1 लाख रुपए रिटेन अर्निंग से दिया है, रिटेन अर्निंग कम हो जाएगा 1 लाख रुपए से। मैसेज आ रहे हैं भाई, ओके। तो प्यारे बच्चों स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग में आज सिर्फ आएगा इंटरम डिविडेंड है क्वेश्चन में, नहीं इंटरम डिविडेंड भी नहीं है। तो आज क्वेश्चन में बस दो ही चीजें आएंगी, रिजर्व भी नहीं है, रिजर्व पहले से कोई था, अगर था भी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रिजर्व बनाया नहीं है बस। तो इसका मतलब है ये दो लाइन है, शराब से डिलीट कर दो भाई। ये क्या कर दिया मैंने, डुप्लीकेट क्यों गई, गड़बड़ कर दी भाई मैंने। एक मिनट रुक जा यार, पता नहीं क्या कर दिया मैंने स्क्रीन के साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा, स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। खैर ऑफिस से आ रहा वापस, ये था मुबारक हो सर, मुबारक। पता नहीं क्या क्या हो जाता है भाई, किसी के बटन दब जाते हैं।
ये था हमारा इनकम आफ्टर टैक्स, इसका नाम था स्लैश नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस था, अगर मैं गलत ना हूं तो 7 लाख रुपए। इसमें हमने ऐड किया था ऊपर वाली अमाउंट नेट प्रॉफिट की 489,11,89,000 आंसर आया था, और ये दोनों नहीं है सवाल में तो मैंने इन्हें डिलीट करना था, मैंने पता नहीं कौन सा डिसीजन दबाए। कैश डिविडेंड की अमाउंट है आज हमारे पास डायरेक्ट 1,50,000, यही थी ना 1,50,000, गलत तो नहीं बोल रहा, नहीं 1,00,000 थी, 10% था, तो इसको हम लेस कर देंगे 10,89,000। समी सर आपने इनकम बिफोर टैक्स की अमाउंट लिखी स्टेटमेंट और रिटेन की नेट प्रॉफिट की जगह, समी समझ में नहीं आया मुझे क्वेश्चन, एक मिनट, मैंने नेट प्रॉफिट की जगह वो लिखा ना बेटा ऊपर जो प्रॉफिट आया है 639 जो लिखा है, देखो सही है ना 4,89,000, अच्छा अच्छा सही कर दिया ओके। अच्छा अब अप्रोप्रिएशन हो गए 10,80,000, रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस आ चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो ऑथराइज शेयर कैपिटल आज क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जब ऑथराइज शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो इसका मतलब है लिखने की भी जरूरत नहीं है ऑथराइज शेयर कैपिटल, छोड़ देते हैं, ब्लैंक छोड़ देता हूं फिलहाल। अब टोटल शेयर होल्डर इक्विटी में आपने क्या क्या लिखा है डिस्कस कर लेते हैं। मेरे मुताबिक आप सब लोगों ने सबसे पहले मेरे मुताबिक लिखा है इशूड एंड पेड अप कैपिटल, और ये आपने लिखा है 1,00,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, और ये सवाल में दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप सब लोग पढ़ो, अगर भाई ने टोटल शेयर होल्डर इक्विटी निकाल दी है, बाकी लोग भी टोटल शेयर होल्डर इक्विटी का आंसर लिख के भेज दें तो वेरीफाई हो जाएगा, और फिर मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा टोटल शेयर होल्डर इक्विटी, वरना मैं कोशिश करता हूँ अमाउंट कॉल कर लूँ फटाफट, बाकी लोग मुझे शेयर होल्डर इक्विटी की वैल्यू लिख के भेज दें अगर निकाल चुके हैं, वरना मैं यहाँ जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। पेड अप शेयर इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल की अमाउंट है 10,00,000 रुपीज, अच्छा अगर 5,00,000 रुपए का फर्क है तुम्हारी अमाउंट में जो बाकी बच्चे मुझे कोट कर रहे हैं, शेयर प्रीमियम खा गए होंगे अगर भाई एज यूजुअल। चलो जी बाकी लोग सुन ले आप गौर से, मैं यहाँ पे शेयर होल्डर इक्विटी के आइटम्स बता रहा हूँ, गौर से सुने सब बच्चे। 5 ईयर क्वेश्चन अपने सामने रखे हैं, 5 ईयर में जो हमने आपको पिक्चर भेजी है, पेड अप शेयर कैपिटल 10,00,000 रुपीज आ जाएगा, उसके बाद शेयर प्रीमियम भी दिया हुआ है आज सवाल में 5,00,000 रुपए, ये आ जाएगा 15,00,000 रुपए हो गए। रिटेन्ड अर्निंग का एंडिंग बैलेंस 10,89,000 आ जाएगा, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। रिजर्व आज कोई नहीं बनाया, ना पहले से कोई रिजर्व था ना कोई रिजर्व बनाया, वेरी गुड मरियम। तो मैं फिर बोल रहा हूँ टोटल शेयर होल्डर इक्विटी में मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ अमाउंट लिख देता हूँ ताकि आप जब बाद में वीडियो देखें तो आपको समझ आ जाए अमाउंट कैसे कैसे आई है। अक्षर सही बेटा जरा अमाउंट देखना मेरा बच्चा कैसे कैसे आई है, 10,00,000 रुपीज ये पहली अमाउंट है, 10,00,000 रुपीज ये पहली अमाउंट है, इज इक्वल टू 1,10,00,000 प्लस इसमें हम प्लस कर रहे हैं शेयर प्रीमियम 5,00,000 रुपीज प्लस हम इसमें कर रहे हैं ऊपर वाली अमाउंट 1,089,000 ये रिटेन अर्निंग की अमाउंट है। बस टोटल शेयर होल्डर इक्विटी में ये 3 अमाउंट है मेरे मुताबिक 2,589,000 किसी के पास। अब जो बाकी लोग मुझे अमाउंट डिफरेंट बता रहे हैं वो चेक कर लें, ये अमाउंट बन रही है टोटल शेयर होल्डर इक्विटी की। नॉन करंट लाइबिलिटीज देखते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज में 10% डिबेंचर पेबल है, 2010 का मतलब ये 2010 में अदा करना है 6,00,000 रुपए। नॉन करंट लाइबिलिटी एक ही है, 6,00,000 रुपए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या है बोलते जाते हैं और अमाउंट यहाँ लिखते जाएंगे साथ साथ, प्लीज आप चेक कर लीजिएगा आपके टोटल शेयर होल्डर इक्विटी का आंसर 2,589,000 हो। अच्छा इसके बाद मेरे बच्चों करंट लाइबिलिटी में मेरे मुताबिक पहला नाम है
अकाउंट पेबल 3,60,000 प्लस अकाउंट पेबल के बाद और कोई लाइबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से, बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से लाइबिलिटी है प्लस और कोई लाइबिलिटी क्वेश्चन में यहां तो नजर नहीं आ रही। ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट में जाता हूं तो टैक्स पेबल नजर आता है 1,50,000 प्लस और कोई लाइबिलिटी, जी हाँ डिविडेंड कैश डिविडेंड पेबल नजर आता है 1,00,000 रुपए। इसके अलावा और कोई लाइबिलिटी नजर नहीं आ रही, किसी को नजर आ रही है तो प्लीज अनम्यूट करके बता दीजिएगा। 7,10,000 करंट लाइबिलिटी का सम, ऑडिट फीस भी है कुछ रह गया, ऑडिट फी, हाँ माजरत चाहता हूँ मेरे पास लिखी हुई नहीं है तो इसीलिए, ऑडिट फी पेबल प्लस 50,000 रुपए, तो ये 13,60,000 रुपए आ गया टोटल करंट लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटीज 3,949,000 3,949,000 ये हमारा टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है। सर ये 760 समझ में नहीं आया, दोबारा से समझा दीजिएगा। एक मिनट रुकिएगा, अगर सब आवाज प्रॉपर आ रही है आपको? जी सर आवाज प्रॉपर आ रही है। ये देखें सबसे पहले अमाउंट 3,60,000 रुपए ट्रायल बैलेंस में अकाउंट्स पेबल के नाम से है, आगे बढ़ूं? जी सर। उसके बाद दूसरे अमाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से 1,00,000 रुपए है, आगे बढ़ूं? जी सर। तीसरी अमाउंट 1,50,000 रुपए पहली दूसरी एडजस्टमेंट टैक्स पेबल के नाम से है, आगे बढ़ूं? जी सर। उसके बाद चौथी अमाउंट 1,00,000 रुपए कैश डिविडेंड पेबल के नाम से है एडजस्टमेंट में, आगे बढ़ूं? जी सर। आखिरी अमाउंट ऑडिट फी पेबल के नाम से है 50,000 रुपए, सही है? ओके सर। जी सर ये सब मिला के 7,60,000 रुपए बनी करंट लाइबिलिटी, 6,00,000 रुपए नॉन करंट लाइबिलिटी, दोनों को प्लस किया सम बना 13,60,000 टोटल लाइबिलिटी का, सही है मेरा बेटा? शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में आज क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, आओ जल्दी से कोशिश करते हैं जरा लिख लें। नॉन करंट एसेट में नाम है प्लांट एंड एसेट्स, प्लांट एंड एसेट्स। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है क्वेश्चन में दी हुई, 39,00,000 माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पहले से 4,60,000 है, सब बच्चे देख रहे क्वेश्चन में, 4,60,000 रुपए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पहले से है, और अगर हम ऊपर एडजस्टमेंट में जाएं तो जरा आप लोगों को मेहरबानी फरमानी पड़ेगी, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 3,90,000 ये जरा दोनों को प्लस कर दें शुक्रिया के साथ, 3,90,000 3,90,000 और 4,60,000 कोई अमाउंट मुझे बताएगा 3,90 और 4,60 प्लस करके 8,50,000 8,50,000 रुपए आप माइनस करें, ये मैंने लिख दिया प्लांट एंड एसेट के आगे 39,00,000 माइनस 8,50,000, किसी को समझ नहीं आया ये कैसे आई अमाउंट तो पूछ ले बेफिक्र होकर। तीस लाख पचास हजार ये आ गया प्लांट एंड एसेट, और कोई नॉन करंट एसेट है? मुझे तो नॉन करंट एसेट और कोई नजर नहीं आ रहा, एक ही था तो बस मैं इसी को कह देता हूं टोटल नॉन करंट एसेट, किसी को और कोई नॉन करंट एसेट नजर आ रहा है तो प्लीज बता दीजिएगा, बार बार बोल रहा हूं। करंट एसेट में सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की अमाउंट है 5,00,000 रुपए, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की अमाउंट। आज सवाल में ऑफिस सप्लाईज नहीं है, ऑफिस सप्लाईज नहीं है, प्रीपेड भी नहीं है इत्तेफाक से, प्रीपेड भी नहीं
भाई साथ दे दीजिएगा अगर मैं कोई अमाउंट भूल रहा हूँ प्लीज। सब लोग खामोश हो गए तो कोई चीज मैं भूल रहा हूँ प्लीज बता दीजिएगा। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग 5 लाख रुपए, ऑफिस सप्लाईज मुझे नजर नहीं आ रही सवाल में, मुझे प्रीपेड भी इत्तेफाक से नजर नहीं आ रहा, रिसीवेबल में सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल था, अकाउंट रिसीवेबल की बुक वैल्यू क्या बनती है, रियलाइजेबल वैल्यू, अकाउंट रिसीवेबल की ओरिजिनल वैल्यू क्वेश्चन में है मेरे बच्चों 4,20,000, इसमें से माइनस करके दिखाएंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स पहले से था नहीं, हमने 21,000 रुपए रखा था, ऊपर एडजस्टमेंट जाके चेक करें आपके पास बनी नहीं, आपको याद आ जाएगा। बस तो 4,20,000 21,000 माइनस करते हैं, शुक्रिया के साथ बता दें मुझे। थ्री नाइन नाइन ट्रिपल जीरो और जनाब इसके बाद आ जाता है कैश एट बैंक या कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ओवरड्राफ्ट, आज कैश और बैंक का बैलेंस ही नहीं है या है आपको नजर आ रहा है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब बस यही टोटल करंट एसेट है। ऑल्टर ईजी डिलीट कर दिया, टोटल करंट एसेट ये आ गए, और जब इसमें ये अमाउंट करंट एसेट और नॉन करंट एसेट को प्लस करता हूँ 3,949,000, ये हमारे दोनों आंसर अल्हम्दुलिल्लाह मैच हो गए, टोटल एसेट भी मैच हो गया। चले ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक और क्वेश्चन, अब सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा ताकि फिर शेयर होल्डर इक्विटी दिखा दे मुझे। शेयर होल्डर इक्विटी दिखा दे, एक मिनट। शेयर होल्डर इक्विटी बेटा मेरा बच्चा मैंने पूछ के लिखी थी, शेयर होल्डर इक्विटी में अमाउंट क्या क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप नजर आ रहा है, पहली अमाउंट है इशूड एंड पेड अप कैपिटल की मेरा बेटा, आगे बढ़ू कोमल? यस सर। दूसरी अमाउंट है शेयर प्रीमियम की 5 लाख रुपए, 5 ईयर में है, दूसरे ही नाम है, आगे बढ़ू? रिटेन अर्निंग का बैलेंस है 10,89,000, बस 2,589,000, ये रिटेन अर्निंग का बैलेंस है 1,089,000। कोमल समझ आ गया, आगे बढ़ू बेटा? चलो भाई सर मेरा 10 लाख कम आ रहा है इस साइड पर, शेयर होल्डर इक्विटी साइड पर 10 लाख, सॉरी सर 10 लाख, 10 लाख कितना आ रहा है बेटा? सर 10 लाख कम आ रहा है मेरा इस साइड पर, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर। तो बेटा मुझे लायबिलिटी का सम बताओ कितना है? 13,60,000। और शेयर होल्डर इक्विटी की वैल्यू कितनी आ रही है? 15,89,000। तो भाई आपने क्या क्या लिखा है ये तो बता दो, क्या क्या लिखा है? इशूड एंड पेड अप कैपिटल लिखा है सबसे पहले 10 लाख रुपए, आपको खा गई मुझे लग रहा है, ये वाला, ये 10 लाख रुपए ना, तो लिखो ना बेटा, पेड अप कैपिटल सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाइवर में मेरा बच्चा, वो क्वेश्चन आप लोग मोबाइल पे देख रहे हो आपको इसीलिए मुश्किल हो रही है, बोल रहा था ना लॉकडाउन से पहले फाइवर खरीद लो, लॉकडाउन हो गया उसके बाद भी फाइवर नहीं खरीद सके। चलो बहरहाल अल्लाह पाक आसानियां फरमाए, अभी ये लॉकडाउन का भी पता नहीं है ये 15 अप्रैल को खत्म होता है या नहीं, आगे बढ़ते हैं मजीद। अब मैं नए सवाल की जानिब जा रहा हूँ, किसी के पास कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले जल्दी से यार। अगला सवाल है 2004 प्राइवेट, बस 4 प्राइवेट देखें, 1-2 या बस देख के आपके हवाले करूंगा, और हो सकता है फिर कल हम अल्लाह के हुक्म से नया चैप्टर ही शुरू करें अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। अच्छा तरह सुन लें, मरियम वर्दा आप लोग हैं, चली गई खत्म हो गई क्लास है? हूं मैं। अच्छा जी, देख रही है आपकी क्या लिखा है, अंग्रेजी पढ़ के सुनाइएगा जरा अपनी आवाज में। एडिशनल सेल्फ टेस्ट एक्सरसाइज, क्या लिखा है आगे? एट योर ओन रिस्क, इसका मतलब ये सवाल एट योर ओन रिस्क जी, ये सवाल आम लोगों के लिए नहीं है, ये सवाल आम लोगों के लिए नहीं है, पहले कह रहा हूँ सब लोगों से, अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और आपसे टैली नहीं हुआ आप बहुत दिल बर्दाश्त होंगे, क्योंकि वैसे ही आप बहुत गमों के मारे हो चुके हैं, इतने सवाल सारे सवाल इनकम स्टेटमेंट का, आप इतना होमवर्क देते हैं हम ये ट्राई भी नहीं करेंगे। अच्छा बेटा मैं तो होमवर्क देता ही नहीं मेरा बच्चा, मैं तो समझ रहा था हम बहुत स्लो जा रहे हैं, आपसे मुझे लग रहा है कि हम बहुत तेज जा रहे हैं। अच्छा देखें बात ये है कि मसला ये ना कि मुझे मुझे लग रहा है कि हम स्लो हैं, अब अल्लाह बेहतर जाने हम स्लो हैं या फास्ट हैं मुझे आइडिया नहीं,
लेकिन बात यह है कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आगे बहुत सारे चैप्टर है और कॉस्ट अकाउंटिंग भी तो बाकी है भाई, आप लोग ये तो भूल ही गए शायद कि कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो यकीन करें मैं तो आप सारा टेंशन में हूँ। बस अब समरी है तमाम बातों की अभी फिलहाल भाई, ये एडिशनल साइड टेस्ट एक्सरसाइज आप तब अटेम्प्ट करना जब आप फाइव ईयर के ये सारे सवाल कर चुके हो, वरना आप ये सवाल अटेम्प्ट करने के बाद जज्बात में आके बोलोगे यार ये चैप्टर मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अभी आप मुझे बताएं या ना बताएं, मैं आपको बता देता हूं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका नजरिया ये होगा अबे यार ये तो बहुत मुश्किल चैप्टर है, बैलेंस शीट टैली नहीं होती इसमें, तो ये नजरिया होगा आप लोगों का, कुछ लोगों का। तो भाई बैलेंस शीट टैली क्यों नहीं होती, उसमें कोई ना कोई छोटी सी मिस्टेक ब्लंडर कोई ना कोई ऐसी आप गलती करते हैं जिसके बिना पे वो टैली नहीं होती, तो इसमें मसले वाली क्या बात है। आप जब एफर्ट करते रहेंगे कोशिश करते रहेंगे अल्लाह के हुक्म से एक दिन आएगा बैलेंस शीट टैली होगी। तो परेशान नहीं हो, अभी आप घर पे ये 2004 5 और 2 ये 3 ईयर बचे हैं, 3 रेगुलर मरियम 3 रेगुलर तक हम काम दे चुके थे ना अगर यस सर ओके, तो 2002 से 2000 अब ये 3 ईयर बचे हैं, 4 प्राइवेट 5 प्राइवेट और 2 रेगुलर। मैं अभी एक दो ईयर देख लेता हूँ, मीटिंग में 4 मिनट बाकी है, एक 10-15 मिनट का और सेशन रख लेंगे ताकि ये 3 सवाल देख लें हम, ठीक है। इतनी देर आप लोगों से रिक्वेस्ट है। हाँ बेटा सर मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे, 2007 रेगुलर में आपने ये दिया नहीं था, मैंने ये देखा था वो क्वेश्चन नंबर 1A 2007 में थर्ड पैरा। अच्छा ये क्या है, मैं भी निकाल लूंगा, थर्ड पैराग्राफ सात रेगुलर, द कंपनी शूट 40,000 सात रेगुलर 1A। अच्छा एक मिनट, ये अरे मेरा बेटा ये सवाल नहीं दिया था मैंने, चलो ये तो अच्छा नहीं, सर सर मुझे ये पूछना था इसमें, आप सवाल पूछने मरियम आपकी आवाज नहीं आ रही है, पूरी क्लास बाकी क्लास सुन ले गौर से जिन्होंने चैप्टर 1 पढ़ा है। चैप्टर 1 हमारा था इश्यूएंस ऑफ शेयर, कल जल्दी जल्दी में 2007 रेगुलर का। सर मुझे इसमें थर्ड एंट्री में ये पूछना था इसमें रिटेन अर्निंग क्या, मरियम आज आपकी आवाज ना हमें आती है फिर रुक जाती है, या आप प्रॉपर रही है लेकिन आप या तो खामोश हो गई हैं। सर बोले ठीक है, इसमें ये थर्ड एंट्री है द कंपनी शूट 40,000 शेयर टू कैपिटलाइज प्रॉफिट ऑफ 5 लाख की एंट्री यही बनेगी ना, कंफर्म कर रही हूँ, रिटेन अर्निंग डेबिट लाख, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम 1 लाख, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 4 लाख। मतलब डेबिट समझ नहीं आ रहा था मुझे कि इसका डेबिट रिटेन अर्निंग होगा कि नहीं। कैपिटलाइज प्रॉफिट का मतलब होता है जो प्रॉफिट रखा हुआ है रिटेन अर्निंग में उसे मालिकान में शेयर दे के कैपिटलाइज कर दिया, उसको मालिकान को देकर उनकी कैपिटल बढ़ा दिया। तो आप सही एंट्री बोल रही है, रिटेन अर्निंग डेबिट, ऑर्डिनरी रिटेन अर्निंग डेबिट कितने से 5 लाख रुपए से, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 4 लाख से, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम क्रेडिट 1 लाख रुपए से। ठीक है मेरा बेटा, थैंक यू सर ओके। बाकी लोग सुन लें, 2007 रेगुलर क्वेश्चन 1A 1B कल मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पे सॉल्व करवा दिया था, क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन था वो, याद अगर आ गया हो आपको। इसका ए पार्ट इश्यूएंस ऑफ शेयर से बिलोंग करता है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे परफॉर्म कर लेना, सही है। अच्छा मीटिंग खत्म होने वाली है, आखिरी मिनट चल रहा है, 10 से 15 मिनट और बस 10 से 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। आप जो है 10-15 मिनट के लिए दोबारा आ जाएं और कोशिश ये करें बाकी बच्चे कि ये 2004 प्राइवेट 5 प्राइवेट और 2 रेगुलर ये तीनों की पिक्चर आप डाल दें जरा जल्दी से ग्रुप पे, वॉइस भी अपने ग्रुप पे डाल दें, या वॉइस में अगर सबके पास फाइव है तो फिर मत डालें, गर्ल्स डाल दें, मेरा ख्याल है गर्ल्स के पास प्रॉब्लम है ये। तो 4 प्राइवेट 5 प्राइवेट और 2 रेगुलर आप जरा ग्रुप पे डालें जल्दी से, मैं फिर आपको दोबारा मीटिंग शुरू करवा के 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा आपसे ये डिस्कस करके खत्म करता हूँ, फिर नया चैप्टर ही शुरू करेंगे अल्लाह के हुक्म से कल, मुझे लग रहा है। ठीक है,